वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आई होप आप अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज एक और दिन आ गया है, आज है वेनसडे और आज मैं काफ़ी खुश हूँ ना, क्योंकि आज मुझे आखिरी बार कह रहा, मतलब मुझे आज कॉलेज जाना है, फिर मुझे 2 हफ्ते तक कॉलेज नहीं जाना। तो काफ़ी खुशी है मुझे, क्योंकि अब मैं 2 हफ्ते आराम से रेस्ट कर पाऊँगा और थोड़ा काम भी कर पाऊँगा और अपने पे भी काम कर पाऊँगा, प्लस थोड़ा पैसा भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो या 2 हफ्ते का ब्रेक, फुल एन्जॉयमेंट होगा उसमें, थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा, न्यूजीलैंड भी एक्सप्लोर करूंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। पर तुम्हें तो पता ही है, जो तुम सोचते हो कभी होता नहीं। और या अभी कहाँ सीन हो रहा है, अभी क्या सीन हो रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी कुछ ऐसा सीन है कि अभी मैं जा रहा हूँ अपने काम की तरफ, अभी टाइम हो रहा है 8:15 और मेरी 8:30 से 11 बजे तक की शिफ्ट है, फिर 11 बजे वापस मैं बस पकड़ूँगा और फिर वहाँ से बस पकड़ के हैमिल्टन से कॉलेज, कॉलेज से बस, बस से सीधा घर और फिर कल से घर पे 2 हफ्ते के लिए। आए हाय, मतलब मेरी क्लास है कल, ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास नहीं है कल, पर कल मेरी ऑनलाइन क्लास है जो कि 1 से 3 होगी, तो वो ऑनलाइन डिस्कशन है तो कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है मुझे उसका। तो ये सारा सीन है। और सुबह का ब्रेकफास्ट भी हो गया है, सैंडविच विद ऑरेंज जूस जो था ब्रेकफास्ट। और कल, हाँ कल मुझे एक रेसिस्ट बंदा भी मिला, जो मैंने तुम्हें वीडियो में बताया था पिछली बार, यानी लास्ट वीडियो में, पर शायद से मैं ढंग से क्लियर नहीं कर पाया, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले मैं रोड क्रॉस करता हूँ। हाँ, तो होता है रेसिस्ट, होता है मौरी। अब मौरी क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। जो लोग न्यूजीलैंड में बहुत पहले से रहते हैं उन्हें बोलते हैं मौरी, यानी वो यहीं के लोग थे, मतलब लोकल लोग, ठीक है, वाइट पीपल के आने से पहले। तो क्या हुआ कि वो ना बहुत रेसिस्ट हो रहा था मेरे लिए, वो कह रहा था कि जैसे ये तो इंडियन है और मैं फॉरनर से बात कर रहा था, तो वो बोल रहा था कि क्या बोलते हैं तुम इससे क्यों बात कर रही हो, ऐसा वगैरह ये सब, ठीक है। तो ये था वो सीन पूरा। बाकी वो जो मेरे साथ वाइट थी उसने मेरा स्टैंड लिया, उसने कहा मैं भी वाइट नहीं हूँ, मतलब मैं भी कीवी नहीं हूँ। सो उसने बोला कि क्या बोलते मैं साउथ अफ्रीका से हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, उसने स्टैंड लिया मेरे लिए, आई रियली रिस्पेक्ट हर। सो या ऐसी बात हो रही थी, जो मेरी ऑलरेडी दोस्त है जो वाइट वाली, वाइट वूमेन है, वो फ्रेंड है मेरी साउथ अफ्रीका से है वो, और वो यहाँ रहती है। तो या ऐसा सीन हुआ। तो बस यही बताना था तुम्हें, बाकी आई डोंट नो तुम्हें समझ आया या नहीं आया, वैसे तो आ गया होगा जो मैंने तुम्हें समझाया। तो बस अब चलता हूँ अपने काम की तरफ और तुम्हें मिलूँगा जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट शॉट पे मिलता हूँ तुम्हें, ठीक है, फिर सी इन द नेक्स्ट शॉट। लाइक करो, तब तक आ रखा था, लेकिन क्या करे, जो ऊपर की चाबी है ना, वो एक जो हमारा कल का एम्प्लॉय था वो अपने साथ घर ले गया, तो मुझे बाहर पे बैठा रहना पड़ रहा है और वेट करना पड़ रहा है। अभी 8:30 हो रहा है तो 9 बजे तक मुझे वेट करना पड़ेगा उसका, क्योंकि जब तक वो आएगा नहीं तो ये दरवाज़ा खुलेगा नहीं। तो वही कर रहा हूँ, बस बाहर पे बैठा हूँ, धूप पे आराम से धूप सेक रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ, और शायद वो 9 बजे तक आएगा, तो जैसे ही वो आएगा तभी ये दरवाज़ा खुलेगा। और बस यही बताना था तुम्हें, बाकी मेरा कल रिज़ल्ट तो आया नहीं। वो मेरा दोस्त है ना एक फट्टू, वो बेफालतू में डराता रहता है कि अबे भाई रिज़ल्ट, पर उसकी भी गलती नहीं है, अभी वो यंग है, अभी 19 साल का है, तो होता ही है 19 साल के लौंडों के अंदर वो बात, वो डरपना। पर लेकिन हम तो बड़े हो गए, हमें तो आइडिया हो गया, इतना कुछ देख लिया दुनिया में कि अब डर ही नहीं रहा। तो या ये बात है, तो देखते हैं क्या होता है। आधा घंटा है, आधे घंटे तक शायद से रील्स देखता हूँ या फिर अपना कुछ टाइम पास करता हूँ, शायद से शॉर्ट देखूँगा क्योंकि उसी से मेरा टाइम पास होगा, उसके अलावा तो कुछ करने के लिए है नहीं। और बड़ी खुशी हो रही यार भाई कि आज जाना है और उसके बाद सीधा 2 हफ्ते बाद जाना है, पता है इतनी खुशी हो रही ना, इतनी खुशी। ऐसा नहीं है मुझे कॉलेज से नफरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पता है क्या, मेरा ना 2 घंटे का सफ़र है यहाँ से, मतलब 2 घंटा जाना और 2 घंटा आना। देखो आते हुए तो मेरे बहुत मज़े है, आते हुए मुझे कोई लफड़ा नहीं है, आते हुए मुझे इसलिए लफड़ा नहीं है क्योंकि आते हुए मेरे साथ आते हैं वो वाइट बंदी, और वो है बिल्कुल सही बात करने में, गप्पे मारने में, तो मेरा मस्त टाइम पास हो जाता है। तो लेकिन जाते हुए मुझे इतना बोरिंग लगता है, क्या बताऊँ। तो बस यही बताना था कि मैं बाहर पर बैठा हूँ अपने जॉब के, क्योंकि चाबी वो घर ले गया अपने साथ जो कल रात या काम कर रहा था। तो बस अब सी यू इन द नेक्स्ट शॉट, जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा और मैं बस के लिए जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें तब मिलूँगा। बाकी तब तक लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करो।
और सब्सक्राइब करो। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट शॉट। और अगर बताऊँ तो काम ख़त्म हो गया है और शिफ्ट जो मेरी हुई है अभी वो हुई है अराउंड 2 आवर्स की, ज़्यादा नहीं था। और तुमने तो देख ही लिया था कि चाबी नहीं थी तो इसलिए मुझे बाहर पे बैठे रहना पड़ा। और हाँ, अब बस काफ़ी खुशी है मुझे क्योंकि आज 2 हफ्ते का ब्रेक शुरू हो जाएगा। वैसे आज जाना है और आते हुए फिर इतनी खुशी होगी कि मैं अब रिलैक्स कर सकता हूँ। पर मेरे माइंड में एक ये भी चीज़ है कि अब मैं अपने असाइनमेंट को भी टाइम दूंगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा मैं एट द एंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलूँ अपने ऊपर, क्योंकि मैं वो बिल्कुल मूड में नहीं हूँ भाई। कि जो मैंने लास्ट टाइम फेस करा मैं वापस फेस नहीं करना चाहता। तो मैं अपने असाइनमेंट में भी काम करूँगा जो 2 हफ्ते के ब्रेक रहेंगे पूरी तरीके से अच्छे से, और बस उसके बाद असाइनमेंट भी हो जाएंगे, छुट्टियाँ भी हो जाएगी, इंजॉयमेंट भी हो जाएगा, पैसा भी कमा लेंगे और ज़िंदगी भी जीलेंगे। और या डॉलर से याद आया, पैसे नहीं डॉलर से याद आया कि जो अब मिनिमम वेज रेट है ना न्यूजीलैंड का वो बढ़ गया है अब। यानी पहले वो 21.70 था मिनिमम वेज रेट, बट अब वो 22.70 हो चुका है। यानी अब जो मिनिमम पैसा जो तुम्हें मिलेगा काम करने का वो मिलेगा $22.70 एन आवर, ठीक है। और या यही बताना था, अब मेरी सैलरी भी आज जल्दी आ गई है, आई डोंट नो वाई। वैसे तो मेरी सैलरी हमेशा 1 बजे आती है दिन के टाइम पे, लेकिन आज मेरी सैलरी सुबह ही आ गई थी, मुझे मेल आया था सैलरी स्लिप का। तो हाँ, ज़्यादा नहीं 20 घंटे की मेरी सैलरी आई है। तो बस वही करता हूँ मैं, तुम्हें पता ही है एज अ स्टूडेंट 20 घंटे ही मिलते हैं हमें करने के लिए। तो बस यही बताना था। और अब जा रहा हूँ मैं अपने बस स्टॉप की तरफ, बाकी वही 2 घंटे 1.5 घंटे लगेंगे हैमिल्टन पहुँचने में, और देखते हैं आज का सफ़र कैसा रहता है। तो तुम्हें मिलता हूँ डायरेक्ट हैमिल्टन में और फिर तुम्हें बताता हूँ कि क्लास कैसी रही आफ्टर हैमिल्टन की क्लास कैसी रही। और बस तो मिलता हूँ तुम्हें सीधा हैमिल्टन में। मैं पहुँच गया हूँ वापस हैमिल्टन और अब वही पुराना दिन पुरानी लाइफस्टाइल, और देखते हैं आज क्या होता है। प्लान तो काफ़ी है पर लेट्स सी क्या होता है आज। बस आज का दिन कट जाए और बस फिर तो अपनी मौज ही मौज है। हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था। हाँ, मुझे ना तुम्हें न्यूजीलैंड के बारे में एक और फैक्ट बताना है। तो लास्ट टाइम मैं तुम्हें बता नहीं पाया था, आई थिंक मैंने अगर तुम्हें बताया होगा या नहीं मुझे भी आइडिया नहीं, पर न्यूजीलैंड में अगर तुम एजुकेशन कर रहे हो तो यहाँ कोई एज नहीं है एजुकेशन की। ये जो मेरे क्लास में है ना वो 37 ईयर्स की लड़की है जो पढ़ाई कर रही है। तुम सोच सकते हो, मतलब कोई एज नहीं है, मतलब तुम्हारे जब मन है तुम तब पढ़ सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं है कि डिफ्रेंशिएट है कि तुम भाई इतने बूढ़े हो तो तुम पढ़ नहीं सकते। क्योंकि कॉलेज में तो क्या होता है, कॉलेज में तो हम 18 से 22 साल के लौंडे ही पढ़ते हैं। तो कभी तुमने अपने कॉलेज में देखा है कि 42 या 45 साल का बुढ़ा या बुढ़िया पढ़ रही हो? पर ऐसा यहाँ नहीं है। तो बस यही बताना था। अब तुम्हें मिलता हूँ जब मेरे क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट। गाइस, मैं पहुँच गया हूँ माटा, और तुम लोग मुझे आज अलग लोकेशन में देख रहे होंगे, और उसके पीछे भी एक रीज़न है। एक्चुअली क्या है ना, मैं काउंटडाउन चले गया था, बहन ने कहा उसे थोड़ा फ्रूट चाहिए तो फ्रूट लेके आ रहा हूँ। फ्रूट मेरे बैग में पड़े और उसको देने जा रहा हूँ फ्रूट। बाकी बस चल रही है ज़िंदगी, हो गया डे ख़त्म, काफ़ी थकाने वाला डे था पर फाइनली इट एंडेड अप। तो बस अब KFC जा रहा हूँ, KFC में बहन को फ्रूट्स देता हूँ जो उसने मंगाया है। कुछ ज़्यादा नहीं मंगाया उसने, शी टोल्ड मी टू गेट 2 apples and 1 orange। तो बस वो बैग में पड़ा है, टोटल मुझे पड़ा वो $2.40 का। तो अब तुम्हें मिलता हूँ बाद में जब मैं उसे फ्रूट्स दे दूँगा, ठीक है। तो तुम्हें मिलता हूँ इन नेक्स्ट शॉट, और तुम्हारे लिए कुछ बताना भी है मुझे, तो नेक्स्ट शॉट को ज़रूर देखना, ठीक है। गाइस, अब मैं घर पहुँच गया हूँ और बहुत खुशी है कि भाई फाइनली मेरी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है। तो तुम्हें कुछ बताना भी है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम्हारा, पर तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। तो ये स्टोरी शुरू होती है जब मैं न्यूजीलैंड से आने से पहले इंडिया में, तो मैं चंडीगढ़ में था, ठीक है। तो जब मैं चंडीगढ़ में था तो मैं मेडिकल कराने जा रखा था कि मैं यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स में वो सबमिट कर सकूँ मेडिकल, ठीक है, न्यूजीलैंड के लिए। तो जब मैंने अपना मेडिकल करा दिया था तो उसके बाद मैं एक शॉप पे गया था, जस्ट उसके साइड में ही थी उस हॉस्पिटल के। तो जब मैं वहाँ एंटर करा तो मुझे ना एक वो बहुत पसंद आया, क्या बोलते हैं उसे, परफ्यूम। वैसे तो परफ्यूम नहीं बोलते यहाँ, खलोन बोलते हैं उसे यहाँ की लैंग्वेज में, क्योंकि खलोन होता है मेंस के लिए और परफ्यूम होता है वुमेंस के लिए, ठीक है। तो मुझे कलोन बहुत पसंद आया था और मैंने शॉपकीपर पर पूछा भाई इसका रेट कितना है, क्योंकि उस पर रेट नहीं लिखा होता। तो उस टाइम उसने मुझे जो रेट बोला था वो बोला था 4000 रुपये, ठीक है। और 4000 में मुझे आना जाना करना था चंडीगढ़ से, ठीक है। तो बहुत अजीब मूवमेंट हो गया था मेरे लिए कि यार मुझे ये चीज़ पसंद आ रही पर मैं उसे ख़रीद नहीं पा रहा।
और अब ये हो गया पुरानी बातें, अब करते हैं आज की बात, ठीक है, आफ्टर 3-4 मंथ्स लेटर। ओके, सो आज क्या सीन है, आज मैं गया था सेंट्रल मॉल, और जब मैं सेंट्रल मॉल गया तो आज मुझे वो परफ्यूम मिला, ठीक है, जो मैंने वहाँ देखा था, ठीक है, और तुम विश्वास नहीं करोगे बट ज़िंदगी बदलती है, यू नो, ज़िंदगी बहुत जल्दी बदलती है। तो फाइनली आई गॉट दिस कलोन, जो कि इंडिया के रेट के हिसाब से तो 4,000 रुपये का है, पर क्या बोलूँ मैं, इतनी खुशी है ना मुझे कि उस टाइम मैं ख़रीद नहीं पा रहा था, और आज मैं जब यहाँ हूँ तो मैंने वो चीज़ ख़रीद ली है, और एक जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली ना भाई, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये एक छोटी सी चीज़ है, एक कलोन है, एक छोटा सा प्रोडक्ट, बट जो सेटिस्फेक्शन मुझे है ना भाई, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो या यही बताना था, दिन ख़त्म हो गया, आई थिंक आपने मेरी वीडियो को इन्जॉय किया होगा, और इन्जॉय किया तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो, क्योंकि मुझे मिलियंस व्यूज़ चाहिए, मुझे नहीं चाहिए छोटे मोटे व्यूज़। टेक मी टू मिलियंस, सी यू इन द नेक्स्ट शॉट।